हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सेंटर फिल्ड स्ट्रॉबेरी कपकेक्स की रेसिपी। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी कपकेक्स बनाने के लिए आपने एक बाउल में हाफ कप पाउडर शुगर लेनी है और सेम बाउल में ही 1/4 कप ऑयल लेंगे और एक जो है इसमें एग जाएगा, 1/4 कप मिल्क, वेनिला एक्सट्रैक्ट 1/2 टीस्पून, आप स्ट्रॉबेरी एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, और पिंक फूड कलर इसमें ऐड करेंगे, अनसॉल्टेड आपने यूज़ करना है, और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आपने इसके अंदर 1/2 कप फ्लावर लेना है और 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ों को सिफ्ट करके आपने इसी में ही ऐड करना है। अच्छी तरह से बैटर को आपने मिक्स करना है, कोई लम्स जो है वो नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक कपकेक का पैन लिया है और उसमें जो है आपने कपकेक लाइनर्स लगाने हैं, और अब इसके अंदर हमने जो बैटर रेडी किया था उसको ऐड कर देंगे। इस रेसिपी से जो है वो आपके 6 कपकेक्स रेडी हो जाएंगे। अब जो है हम कपकेक को बेक करेंगे माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन को जो था वो मैंने 2 मिनट्स और 30 सेकंड्स के लिए सेट किया था। किसी ओवन में जो है वो 3 मिनट्स भी लग सकते हैं, तो वो आपने चेक करना है। अगर आपका कपकेक्स रेडी हो जाएंगे तो आपने उनको निकाल लेना है, अगर नहीं होंगे तो आपने थोड़ा सा उसे और जो है बेक करना है। तो तकरीबन 2 मिनट्स और 30 सेकंड्स के बाद कपकेक्स जो थे वो रेडी हो गए थे, और इसको मैंने रिमूव कर लिया है पैन में से, और आपने इनको कूलिंग रैक में रखना है और अच्छे से जो है वो आपने इनको कूल डाउन करना है। अब स्ट्रॉबेरी सॉस रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने जो है 1 कप स्ट्रॉबेरीज ली हैं, और स्ट्रॉबेरीज़ को जो है वो आपने ब्लेंड करना है 1 कप पानी के साथ। तो ये जो है वो स्ट्रॉबेरी जूस आ जाएगा, और इसमें ही आपने 1/2 कप शुगर ऐड करनी है, फ्लावर 2 टेबल स्पून, और फूड कलर इसमें पिंक हम यूज़ करेंगे। कलर ऐड करने के बाद आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी इसमें लम्प जो है वो नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद जो है हम सॉस को आपने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है जब तक वो अच्छे से थिक हो जाती है। तकरीबन कोई 5 मिनट्स में जो है ये रेडी हो जाती है सॉस, अच्छे से थिक हो जाएगी तो आपने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। तो ये देखिए इस पॉइंट पर जो है वो सॉस रेडी हो गई थी, और अब आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब तक सॉस जो है वो ठंडी होगी यहाँ पर हम क्रीम को विप कर लेंगे। 1 कप जो है वो मैंने विपिंग क्रीम ली है, और इसको जो है आपने बीट करना है। वैसे जो विपिंग क्रीम होती है स्वीटेंड होती है, लेकिन मैं इसमें जो है वो 1/4 कप पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ, और इसको डाल के आपने अच्छी तरह से विप करना है। क्रीम जो है वो आपकी चिल होनी चाहिए तो ही वो अच्छी तरह से विप होती है। तो ये देखें ये परफेक्टली विप हो गई है। अब तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी रेडी हैं, अब बस इसको हमने असेंबल करना है। यहाँ पर जो है मैंने सीड रिमूवर की हेल्प से जो है वो कपकेक में इस तरह से होल किया है, आप जो है इसको नाइफ से भी कर सकते हैं। तो सारे कपकेक्स में आपने इसी तरह से सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद जो सॉस हमने रेडी की थी स्ट्रॉबेरी वाली, वो आपने इसके सेंटर में अच्छी तरह से फिल करनी है। तो ये देखें ये सेंटर इनका फिल हो गया है। अब क्रीम जो है वो आपने 1 स्पून की हेल्प से ही इस पर स्प्रेड करनी है, एक जो है वो सर्कुलर मोशन में आपने इसको अप्लाई करना है। देखें इस तरह से कपकेक आपने रेडी करना है,
और सारे कपकेक्स पे जो है वो सेम ही स्टेप मैं करूँगी। अगर आपको कम क्रीम पसंद है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। कपकेक्स के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए आपने थोड़ी सी सॉस जो है वो उसके ऊपर ड्रिजल करनी है और एक स्क्यूअर की हेल्प से आपने इसको इस तरह से स्वर्ल कर लेना है। और जो रिमेनिंग पीसेस थे कपकेक के वही हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे, उसको ही आपने इस पर स्प्रिंकल करना है। सेम वे में ही आपने सब कपकेक्स के ऊपर इसी तरह से इनको स्प्रिंकल करना है। और अब जो है आपने कपकेक को एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए जो है वो फ्रीज़र में रखना है ताकि क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो 2 आवर्स के बाद देखें इसका रिज़ल्ट जो है वो इस तरह से आएगा। परफेक्टली जो है ये सेट हो गई है क्रीम भी, और जो सेंटर में हमने इसकी सॉस फिल की थी वो भी जो है वो परफेक्टली सेट हो गई है। तो अब जो है वो आप कपकेक एंजॉय कर सकते हैं। आपने जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।